हीरोज, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइफ रोलिया पे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉमेट के एग्जामिनेशन के बारे में। कॉमेट के एग्जामिनेशन होती क्या है, जिन बच्चों को पता है अच्छा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये UGET मतलब अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होती है, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट कंडक्ट करती है उन बच्चों के लिए जो कर्नाटका के लिए नहीं है, जिनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए या जिनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए कर्नाटका के अंदर। ठीक है, बातें क्लियर है। जो बच्चे हमारे कर्नाटका के रहने वाले हैं उनके लिए CET होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जो कॉमेट की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया था 2 दिन पहले, बच्चों को मेल करके बताया गया था कि 25 जुलाई मतलब इस महीने के 25 तारीख को उनकी एग्जाम होने वाली थी UGET की। तो उसमें उन्होंने डिफरेंट गाइडलाइंस दी थी कि टेस्ट सिटी होंगी, हम टेस्ट सेंटर बनाएंगे, लेकिन कोरोना के चीज को देखते हुए, कोरोना के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने ये फैसला कैसे लिया, ये किसी बच्चों के भी समझ नहीं आया, हमारे भी समझ में नहीं आया। तो हमने बात किया बहुत लोगों से, अपने सोर्स से बात किया, तो पता चला कि ये जो मेल आ गई थी या जो चीज मतलब इन प्रोसेस थी उनको पब्लिश कर दिया गया था, पता नहीं ये चीजें कैसे हो गई थी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो कॉमेट के तरफ से ये आई है कि जो आपका डेट अभी 25 जुलाई का बताया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये अफवाह फैल रही है कि मार्केट में अब जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 1st week of August में होने वाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो अब एग्जाम होगा आपका वो 1st week of August में होगा या 1st week of September में होगा। और ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि इस साल मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट बोल रहा हूँ कि इस साल जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे या जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो होम बेस ही होंगे, लाइक एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दी जाएगी और वो आपको टेस्ट जो है डिफरेंट रूल रेगुलेशन के साथ आपको अपने घर पे ही बैठ के देना होगा। तो ये चीजें मन में नहीं बैठा हो कि टेस्ट सेंटर जाना है, ये COVID-19 के केस में आपको कहीं ट्रेवल करना है, ऐसी चीजें नहीं होने वाली हैं। तो बाकी जो एग्जाम का पैटर्न होगा, गाइडलाइन होगा, वो जल्द ही कॉमेट के बताने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी सिलेबस है कॉमेट के का वो काफी होता है आसान, बच्चों मन लगा के पढ़ते रहो। अगर बोर्ड में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, 11th की थोड़ी मोड़ी चीजें याद है, कॉमेट में एक ध्यान रखना कि 11th क्लास का जो सिलेबस आता है वो कम आता है, तो आपको थोड़ी मोड़ी चीजें भी याद है और 12th आपका स्ट्रांग है तो आप कॉमेट के में अच्छा परफॉर्म कर लोगे। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट और आएगी कॉमेट के की तरफ से उससे के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, सिलेबस भी शेयर करूंगा और हम जम के मेहनत करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखूं।